हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास है क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर और राइटर नेम याद करने का ट्रिक का क्लास है। और इससे पहले जो है आप गद्य खंड कहें तो बातचीत, संपूर्ण क्रांति, उसने कहा था, ये सभी चैप्टर के चैप्टर और राइटर नेम जो हैं आप याद कर चुके हैं। आ याद कर लिए हैं तो एगो के जो है आंसर बता दीजिएगा कि सिपाही की माँ के राइटर कौन है। ठीक है सर, अब याद हो गया है तो ट्रिक भी बता दीजिएगा। अब जो है हमनी के आते हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी के काव्य खंड पे। आ काव्य खंड के भी जो है ना चैप्टर और राइटर के नाम जो है आप बउआ के तरह इस क्लास में याद कर लेंगे, नहीं विश्वास है। आइए शुरू करके देखते हैं। देखिए पहला जो है का है तो पहला ही है कि करबक। आ करबक के राइटर कौन है तो मलिक मुहम्मद जायसी। अब याद कैसे करेंगे तो करबक, कर बक बक कर, ऐसे ही कह सकते हैं नू, कर बक 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 कर बे, एकदम मालिक भइल बारे की बक बक कर बे, ऐसे ही हमनी के कहते हैं। कोनो ज्यादा बोलता है तो हमनी के क्या कहते हैं, बक बक करेगा, मालिक भइल है। बक बक यानी कर बक, अब मालिक यानी कि मलिक मुहम्मद जायसी, तो कर बक के राइटर कौन हो गए, मलिक मुहम्मद जायसी। देखिए कितना आसान ट्रिक था। देखिए कर बक 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 कर बे, मालिक भइल हवन, मालिक बकबक करत हवन, यानी करबक के राइटर जो है मलिक मुहम्मद जायसी हो गए। देखें कितना आसान। आइए सेकंड चैप्टर पे लेके चलते हैं। सेकंड है पद, थर्ड नंबर चैप्टर भी है पद, लेकिन अंतर का है तो सेकंड वाला जो है कृष्ण भक्ति से है, यानी कृष्ण जी के बारे में है, और थर्ड वाला जो है राम भक्ति से है। ठीक है, तो राम जी के बारे में है। अब जो है हमने के इसको याद कैसे करेंगे तो देखिए पद जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है उसके राइटर हैं सूरदास जी। अब बताइए कृष्णा जी सुर लगाते थे कि नहीं लगाते थे, आप कहेंगे एकदम लगाते थे, काची से बांसुरी से सुर लगाते थे, तो कृष्ण भक्ति के राइटर सुर लगाते थे सूरदास। कृष्ण भक्ति जो पद है तो कृष्णा जी का लगाते थे, सुर लगाते थे, बांसुरी से सुर लगाते थे ना, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो सुर लगाते थे, यानी सूरदास। तो कृष्ण भक्ति पद के राइटर कौन हो गए, कृष्ण जी सुर लगाते थे यानी कि सूरदास हो गए। बात याद हुआ। अरे आप कहेंगे सर इतना जबरदस्त आप ट्रिक लाते कहाँ से हैं। देखिए थर्ड नंबर पद जो है राम भक्ति से है, राम भक्ति से जो है तनी मनी याद कीजिए, जहाँ पर भी जो है ना राम जी के जो है मंदिर रहता है ओकर आगवा में देखिएगा तो तुलसी जी के का रहता है, पेड़ लगल रहता है। तो राम भक्ति और तुलसी जी, मतलब कि राम भक्ति राइटर कौन हो गए, तुलसीदास हो गए। याद हुआ, कृष्ण जी सुर लगाते हैं यानी कृष्ण जी के, कृष्ण भक्ति पद के राइटर सूरदास। राम जी के जहाँ मंदिर रहता है तुलसी के पेड़ रहता है, यानी कि राम भक्ति पद के राइटर तुलसीदास। कितना आसान ट्रिक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है छपे, छपे के राइटर कौन है, नाभादास। अच्छा बताइए आप कुछ छपवावे गए, जैसे मान कर चलिए कि शनिश्वर के ब्याह के कार्ड आप छपवावे गए, तो कार्ड छपेगा तो नया ही छपेगा, पुराना थोड़ी ही छपेगा, ब्याह एक बार हमार होगा, तो कार्ड छपेगा तो नया छपेगा, छपे छपेगा तो नया छपेगा, यानी छपेगा तो नया, नाभादास नाभादास यानी छपेगा, छपेगा तो कैसन छपेगा, नया नया यानी नाभादास। छपे के राइटर का हो गया नाभादास, छपेगा तो नया ही छपेगा, यानी छपे के राइटर नाभादास हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट है कवित्र, आ कवित्र के राइटर हैं भूषण जी। अच्छा बताइए हमनी के जो है एगो प्रोग्राम रखें, आ उस प्रोग्राम में जो है कवि को हम लोग बुलाएं, केकरा बुलाएं, कवि को बुलाएं। अच्छा बताइए कवि लोग आएंगे तो क्या आपको कविता सुनाएंगे, पहले तब भाषण सुनाएगा, फिर से कवि हमनी के एगो प्रोग्राम किया ओकरा में हमनी के कवि के बुलाएं, तो कवि के बुलाएंगे तो पहले वो भाषण ही देगा, भाषण भूषण भाषण भूषण, कवि आएगा तो काची देगा, पहले भाषण देगा, यानी कवित्र के राइटर कौन हो गए, भूषण हो गए। ठीक है, कवि आएगा तो भाषण देगा, भाषण यानी कवित्र के राइटर जो है भूषण हो गए, कवि आएगा तो भाषण ही देगा, कवित्र के राइटर भूषण हो गए। देखे कितना आसान। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं।
तुमुल कोलाहल कलह में, इसके राइटर कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद जी। अच्छा, शंकर जी के आप जयकारा लगवाएं, मतलब कि शंकर जी के पूजा हुआ, तो पूजा हुआ भाई तो प्रसाद तो बंटबे करेगा, है कि नहीं? शंकर जी के हमर घरे पूजा हुआ, प्रसाद बंट रहा है, तो तू लोग का कहा कि सर जी प्रसादिया हमरा नहीं मिलता ही, तो हम का कहेंगे? अरे तू मिलेगा तब ना प्रसादी हम देंगे, तू मिलवे नहीं किया, हम का बोले हैं? तू मिल तब प्रसादी देंगे, तू मिल, तू मिल, तुमुल तुमुल, तू मिलेगा तब न हम प्रसादी देंगे, शंकर जी के हम पूजा करवाए हैं, तू मिल तब हम प्रसादी देंगे। तो तू मिल मतलब कि तुमुल कोलाहल कलह में कौन? शंकर जी, यानी प्रसादी के बात, तू मिलेगा तब हम प्रसादी देंगे। तो तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी राइटर हो गए, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग के राइटर जो हैं कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान है पुत्र वियोग के राइटर। अब याद कैसे करेंगे? पुत्र वियोग कहने का मतलब जो है कोई स्त्री है जिनका जो है पुत्र का निधन हो गया। अगर हम एकदम ठेठ भाषा में कहें तब बेटा का जो है मर जाना। अच्छा बताइए, कोई स्त्री है आ उनके बेटा जो है अचानक मर जाते हैं, का होगा? आदमी चौंक जाएगा, चौक जाएगा, चौक जाएगा मतलब चौहान, चौक जाएगा से चौहान आप याद रखेंगे। काची हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा, मतलब किसी के बेटे का जो है अचानक निधन हो जाएगा तो चौक जाएगा चौहान। यानी कि कौन चौक जाएगा? तो महिला सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है बालक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा। अच्छा, उषा के पर्यायवाची शब्द का होता है? सूर्य, प्रकाश, रवि, किरणें, ये सब पर्यायवाची शब्द। तो उषा मतलब प्रकाश। अच्छा बताइए, एकदम उषा प्रकाश जो है एकदम करा, एकदम कैले है, करा मतलब कि बहुत ज़्यादा तापमान है, एकदम पसेना चुगा दे रहा है आदमी के, लेकिन फिर भी जो है ओकरा में दो चार गो आदमी खड़ा है। तो जब एकदम प्रकाश पूरा पड़ रहा है आ खड़ा है धूप में आदमी, तो उसको हमने के का कहेंगे? अरे बड़ा बहादुर आदमी है, एकदम शेर लेखा खड़ा है। काची में उषा बहुत अधिक है लेकिन फिर भी जो है एकदम शमशेर शेर लेखा खड़ा है, बहादुर आदमी है। देख लीजिए ट्रिक बन गया कि नहीं बना? उषा के शमशेर बहादुर सिंह, जो उषा में जो है एकदम डटके खड़ा है, अरे बहादुर लेखा खड़ा है, शेर लेखा एकदम, शमशेर बहादुर सिंह उषा चैप्टर के राइटर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजन का चेहरा एक। अच्छा बताइए, जनजन का तो चेहरा, हमर चेहरा, आपका चेहरा, सबके चेहरा जो है एक जैसन है, मनुष्य जैसन है, भले डिफरेंस है लेकिन मनुष्य जैसन है कि नहीं? तो जन जन के चेहरा तो एक हैले है, लेकिन किसका चेहरा जो है अलग है? तो किसका चेहरा? एक बार हाथी के चेहरा आप देख लीजिए, हाथी के चेहरा का होता है, अलग होता है कि नहीं होता है? आ हाथी को संस्कृत में हमनी के का कहते हैं? आप कहेंगे सर हाथी के संस्कृत में हम पढ़ ले ली कि गज कहते हैं, गज, गज कहते हैं कि नहीं? तो जनजन के चेहरा तो एक हैले है, लेकिन किसका चेहरा अलग है? हाथी के, गज, गज यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध। देंगे कितना मनी ट्रिक है? जनजन का चेहरा तो हमनी के जन है, हमनी के तो चेहरा एक है, लेकिन किसका अलग है? तो गजानन, गजानन मतलब कि हाथी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है अधिनायक। हाई देखिए, तो नायक, नायक मतलब क्या होता है? हीरो। आ हीरो में सबसे बढ़िया हीरो आपको कौन लगता है? रणवीर सिंह के नाम सुने हैं? आप कहेंगे सर एकदम सुने हैं, हमारा सबसे बढ़िया लगता है वो। तो कौन नायक, कौन नायक? रणवीर, रणवीर से रघुवीर, यानी कि अधिनायक। अधिनायक के राइटर कौन है? नायक कौन है? रणवीर सिंह है, लेकिन अधि मतलब आधा हीरो कौन है? अधिनायक रघुवीर सिंह है कि नहीं? नायक कौन है? रणवीर से रघुवीर आप याद रखेंगे, ठीक है, कि अधिनायक मतलब नायक मतलब हीरो, आ हीरो कौन है? रघुवीर, रणवीर से रघुवीर आप याद रखेंगे, ठीक है बालक। तो नायक, नायक यानी रघुवीर, अधिनायक चैप्टर के राइटर रघुवीर सहाय, वेल डन माई डियर। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को कैसे याद करेंगे? तो प्यारे नन्हे बेटे,
एगो छोटा सा बउआ है तो हमने के नहीं कहते हैं प्यारे नन्हे बेटे अले अले प्यारे नन्हा बेटा, तो वो कहता है कि पापा 2 रुपया तनी लाइए तो 2 रुपया मांग लेगा। जैसे ही आप उसको कहिएगा कि अरे हमारे बउआ 2 रुपया लाइए तो वो कहेगा कि 1 रुपया लाइए चाहे 2 रुपया लाइए। तो ये रुपयावा के हमनी के जो है का कहते हैं तनी याद कीजिए, तो आप स्कूल में जाते होंगे तो कहता होगा मास्टर कि विकास शुल्क जमा करेला है, हई शुल्क जमा करेला है, हई शुल्क, शुल्क मतलब रुपया। तो प्यारे नन्हे बेटे को आप काची देते हैं, शुल्क देते हैं, 1-2 रुपया देते हैं ना, शुल्क देते हैं, शुल्क से का याद रखेंगे, शुक्ला जी, है कि नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को हमने के शुक्ल पैसा देते हैं तो शुल्क, शुक्ल याद रखेंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इसके राइटर हो गए। ठीक है बालक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार जीत। अब देखिए, हारता है आदमी तो काची होता है, दुख होता है कि नहीं, आ दुख के जो है हमने के पर्यायवाची शब्द शोक होता है। तो भाई हार गए हैं तो शोक होगा, आ जीत जाएंगे तब बाजा बजाएंगे। तो देखिए, हार मतलब कि शोक हुआ है, आ जीत मतलब बाजा बजाए हैं, वाजपेयी। तो हार मतलब अशोक, वाजपेयी शोक हो रहा है, हार गए तो शोक हो रहा है, हार जीत के राइटर अशोक वाजपेयी, है कि नहीं, गेत कितना आसान था। नेक्स्ट है गांव का घर। अच्छा, गांव के घर में हमनियों के गांव में रह रहे हैं, आप भी गांव में ही रह रहे हैं, तो गांव में देखिएगा गांव के घर में क्या होता है, ज्ञान आदमी देवे वाला ढेर है सब, है कि नहीं, है सब, पूछो नहीं, सब बैठ के जो है ठंडा में आग तापेगा, गर्मी में जो है बैनर डुलाएगा सब, लेकिन ज्ञान एक से एक देगा सब। गांव के घर में क्या देता है सब, ज्ञान एक से एक देता है सब, गांव के घर में ज्ञान एक से एक देता है सब, मतलब ज्ञानेंद्र पति। ठीक है बालक, अब बताइए, ऐसा ट्रिक आप YouTube पे कहीं देखे हैं, नहीं ये देखे होंगे सर, आई पूरा आपको जो है ना याद भी हो गया है, नहीं याद हुआ है तो आप एक बार फिर से रिपीट वीडियो इसको देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। आ इसके बाद जो है ना हम लोग लेके आ रहे हैं कि राइटर के जो है जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उस पर भी ट्रिक लेके आ रहे हैं, जैसे हमने के इंग्लिश के पढ़े हैं, है कि नहीं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखे हैं, मजा आया है, हंसी आया है, याद हो गया है, तो अपन दोस्त में इसको शेयर कर देना है। आप वीडियो आप देखे हैं उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद,